Hello guys, welcome to my YouTube channel, myself Swati Dhande. Today I will teach you some basic concepts of C++. Today I will teach you operators in C++. So let's start. ये आपका जो fourth lecture है अभी, और इस fourth lecture में मैं आपको C++ operators पढ़ाऊंगी. Definition of operators क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. An operator is simply a symbol that is used to perform operations. Means जो कौन सा operation करेंगे हम, जैसे कि आपको अगर addition करना है, subtraction करना है, तो आप जो कुछ actions perform करने वाले हो, that time you will use operator. There are following types of operators to perform different operations in C++ language. Okay, the first is arithmetic operators, second one is relational operators, third one is logical operators, fourth one is bitwise operators, fifth is assignment operators, and last one is MISC operators. So one by one मैं आपको explain करती हूँ. Arithmetic operators मतलब होते हैं जो आप normal mathematical operations करते हैं वही है, दूसरा कौन सा भी इसमें कुछ difficulties नहीं है. देखो जैसे हम addition करते हैं तो उसके लिए हमें plus use करना होता है. Okay, एडिशन के लिए आपको प्लस यूज करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको स्टार यूज करना है, डिवीजन के लिए आपको बैकस्लैश ऑपरेटर यूज करना है. देखो सिंपल, आपको एडिशन करना होगा तो आपको बस सिंपल दो वेरिएबल से दो वेरिएबल्स का एडिशन करना है तो आपको ए प्लस बी लिखना है, दो वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो ए माइनस बी करना है, दो वेरिएबल्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो ए स्टार बी करना है आपको. ओके, एंड डिवीजन मतलब बी बाय ए. ओके, बी बाय ए, हमारी बी की वैल्यू क्या है 20, ए की वैल्यू क्या है 10, तो 20 बाय 10 क्या हुआ 2, सिंपल. नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब वो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है. ओके, अगर हम क्या कर रहे हैं, बी बाय बी परसेंट ए कर रहे हैं, बी मॉड्यूलस ऑपरेटर ए कर रहे हैं. बी मतलब क्या है हमारा, बी का वैल्यू क्या है, बी होल्ड्स 20. ओके, तो 20 डिवाइड बाय 10. ओके, अगर हमने 20 को डिवाइड किया 10 से, ओके, तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा, ऑब्वियसली 0 आता है. ओके, तो वो रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब. ओके, अगर मैंने 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 किया, ओके, तो 2 ने 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. ओके, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है. नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर. अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब नाम से पता चलता है कि वो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर से वो इंटीजर वैल्यू जो होती है वो 1 से इंक्रीमेंट करता है. मतलब अगर आपका ए का वैल्यू है 10, ओके, और आपने किया ए प्लस प्लस, ओके, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस प्लस मतलब 10 इंक्रीमेंट होगा प्लस 1 से. ओके, अगर आपने प्लस प्लस लिखा तो क्या होगा, वो प्लस 1 से इंक्रीमेंट होगा और 10 प्लस 1 आपको 11 देगा. आया समझ में. सिंपली जो कौन सा वेरिएबल है उस वेरिएबल पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे, उस वेरिएबल के अंदर जो कुछ वैल्यू आप स्टोर करोगे वो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर. डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली उसके अपोजिट है, वो वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा. अगर उसकी वैल्यू 10 है तो वो क्या कर देगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसको 9 कर देगा, मतलब वो डिक्रीज बाय 1 कर देगा. आया समझ में. नेक्स्ट अभी है आपका, नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर मींस होता है आपको एक कंडीशंस के हिसाब से, मतलब आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हो. मतलब जैसे कि दो वेरिएबल्स के बीच, मतलब दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज होती हैं, तो उन वैल्यूज को वो कंपेयर करने के लिए, मतलब कंडीशंस, मतलब वो चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है. मतलब जब
कंडीशन की बात आती है तब ये ऑपरेटर यूज होते हैं। जैसे कि अभी आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है या दोनों वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन है, तब हम क्या हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करना होता है। एंड ये रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज हमें ट्रू और फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करते हैं, मतलब आउटपुट हमारा बुलियन वैल्यूज में आता है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ओके, देखो रिलेशनल ऑपरेटर फर्स्ट है हमारा डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या करता है, चेक्स इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स ये क्या चेक करेगा कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं। इफ इट इज इक्वल देन आवर आउटपुट विल बी ट्रू, इफ इट इज नॉट इक्वल देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, तो उसका सिंटैक्स क्या है, आपको बस a इक्वल टू बी लिखना है। a की वैल्यू क्या है, 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो 10 इक्वल टू 20 इट इज फॉल्स, रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, देन नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब वो चेक करेगा कि दोनों ऑपरेटर्स इक्वल है या नहीं है, सॉरी ऑपरेटर्स नहीं, दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं वो चेक करके बताएगा आपको। अभी देखो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 20, यस इट इज ट्रू, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, देन नेक्स्ट ग्रेटर देन, वो लेफ्ट ऑपरेंड चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन है या नहीं है। इफ इट इज ग्रेटर देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, उसका सिंबल क्या है, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो वही लॉजिक यहाँ पे है, दूसरा कुछ अलग से लॉजिक नहीं है। आपको बस जो आपने मैथ्स में किया है ग्रेटर देन लेस देन, वही थिंग हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, वही लॉजिक्स हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं, दूसरा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देन नेक्स्ट लेस देन, वो चेक करेगा कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन है या नहीं है। ओके, तो फिर अभी क्या है, 10 इज लेस देन 20, यस इट इज ट्रू। ओके, 10 20 से लेस है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और उसका सिंटैक्स क्या है, हमें बस दो ऑपरेटर्स को कंपेयर करना है, रिलेट करना है, तो उसके बीच में हमें बस वो लेस देन ऑपरेटर यूज करना है। देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है, यहाँ पे वो दोनों कंडीशंस चेक करता है, एक तो वो इक्वल है ये चेक करता है, और एक तो वो ग्रेटर देन है वो भी चेक करता है। ओके, मतलब अभी देखो एक की वैल्यू है 10, ओके, ग्रेटर देन 20, वो ये चेक करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये फॉल्स है, ओके, दिस इज नॉट ट्रू। अभी मेरी वैल्यू है 10, ए की, बी की वैल्यू है 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये ट्रू है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन बाद में जो इक्वल टू का ऑपरेटर है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10। ओके, अभी सपोज 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो वो दोनों कंडीशंस चेक करता है। नेक्स्ट है हमारा लेस देन, सेम वैसे ही वो चेक करेगा लेस देन इक्वल टू है या नहीं। ओके, जैसे कि मैंने ग्रेटर देन का बताया, सेम वैसे ही लेस देन का, वो लेस देन भी चेक करेगा और इक्वल टू का भी चेक करेगा, दो बोथ कंडीशन चेक करेंगे।